हिमाचल प्रदेश में सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद आज से सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए। कोविड नियमों की अनुपालना की शर्त के साथ खुले स्कूलों में हालांकि पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या कम रही। स्कूलों में आए सभी विद्यार्थियों का तापमान चेक किया गया। स्कूलों में विद्यार्थियों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए संबोधित किया गया। सैनिटाइजर कर बाद ही स्कूल आए विद्यार्थियों को क्लासरूम में जाने दिया जा रहा है। लंबे समय के बाद स्कूल आकर विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की है। जिला हमीरपुर के आज से 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की SOP के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। हर स्कूल ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किए हैं। स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं होगा। हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पहले की तरह स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लंच टाइम एक साथ नहीं होगा। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर कक्षा के लिए अलग अलग लंच का समय होगा। विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के समय में भी 10 से 15 मिनट का अंतर रहेगा, ताकि भीड़ जमा ना हो। स्कूल आए छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर स्कूल खुलने का लाभ उन्हें मिलेगा। आज गवर्नमेंट ने बताया कि आज स्कूल खुल गए हैं और पूरा जब हम स्कूल आए तो पूरा सैनिटाइजेशन हुआ और आज जो स्कूल खुले हैं उससे जो हमारे पेपर होंगे 20 अप्रैल से बताया गया जैसे कि, तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छे प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आता है। ऑनलाइन में भी अच्छा रहा, लेकिन उतना कुछ कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम रह रही थी हमें, तो आज फिर ठीक हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा इतने महीनों बाद हमारे स्कूल खुले हैं और हमें पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। हम हमारी बोर्ड क्लासेस लिए मैं चाहता था कि हमारे स्कूल खुलें प्रॉपर। हमें मास्क लगवाया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है सैनिटाइज रखो। जो SOP जारी की गई है सरकार द्वारा, वो सारा हम पालन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अच्छे से। हम सबसे पहले अपनी राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी कोविड की इतनी क्रुशियलिटी के बाद भी हमें हमारे स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं। फाइनली हमारी बोर्ड क्लासेस हैं और बोर्ड क्लासेस के लिए हमको दोपहर टीचर से करना ही पड़ना था ना, तो इसके लिए हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि स्कूल में 8वीं से 12वीं कक्षाएं बुलाई गई हैं और कोविड नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रार्थना सभा और खेलकूद के पीरियड नहीं लगाए जाएंगे, साथ ही फेस मास्क पहनकर ही विद्यार्थी और शिक्षक स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान जांचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 336 है, मगर आज 115 छात्रों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कोविड के तहत हैंड वॉश आउटसाइड द गेट विद सोप बच्चों से करवा के अंदर उनको थर्मल स्कैनिंग करके और सैनिटाइजर्स का भी अरेंजमेंट किया गया है और एक डेस्क छोड़ के बच्चों को बिठाया गया है। मास्क वगैरह प्रॉपर पहने हुए हैं बच्चों ने। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है, तो कोविड से रिलेटेड तो काफ़ी प्रिकॉशंस बच्चों को अवेयर भी हैं बच्चे और कर भी दिया गया है हमको। कितने बच्चे हाजिर लगे आज? टोटल 8वीं से लेके प्लस टू तक हमारे पास 336 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 115 बच्चे आए हैं और 221 बच्चे जो हैं वो अब्सेंट हैं।